सैनिकों को क्या आश्वासन दिया है, आगे आपको भी बताते हैं। अपने पहले से तय कार्यक्रमों के दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर ही पूर्व सैनिक से मुलाकात की। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनाव के दौर में पार्टी कार्यालय पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यहां सबसे पहले स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने सैनिकों की समस्याओं को सुना और पार्टी कार्यालय पर ही सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की। इस चुनाव में उनके समर्थन में एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कभी सपा में थे। पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो मैनपुरी विधानसभा तो आप जीत ही रहे थे, आप भोगांव भी जीत गए होते। समाजवादी पार्टी के पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहे राम आश्रय विश्वकर्मा से सत्यम समाचार के मुख्य संपादक ने खास वार्ता की है। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव को लेकर खास साक्षात्कार में क्या कुछ बताया, आइए आपको भी दिखाते हैं। उपचुनाव की बात है, हालांकि बीजेपी ने अपना ही प्रत्याशी उतारा है जो कभी समाजवादी पार्टी, वो जानते हैं गिनती में कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साजो सड़क भी हो सकता है। मैनपुरी ने पहले भी देखा एक बार, जब चुनाव हुआ था तो कई बार लोगों को वोट डालना पड़ा था और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसी सख्ती की थी कि वोट पड़ ना पाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जहां हमारा संगठन मदद कर रहा है, हमारी पार्टी के नेता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता है, वहीं अगर आप लोग भी हमारा सहयोग कर देंगे तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी कदम करके आया हूं, वहां लोग भी फैसला लेके बैठे। और सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो आप मैनपुरी तो जीत ही रहे थे, आप भूगांव भी जीत रहे होते। आपको बेईमानी केवल भूगांव बेईमानी से नहीं हराया, उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा पता कर लें, आपकी सरकार बन गई, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने पहले तो वोट काटे, वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, और बाद में जाकर के आपकी विधानसभा की जब गिनती हुई उसमें आपको खराब। एक ही जिले में सोचिए कभी, जब 20,000 से जीत रहे हो, 24,000 से जीत रहे हो, और वही हम 700 वोट से हार गए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आप लोग के संग बैठक का था, माननीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हमारे द्वारा संपन्न कराया गया, ये पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम था जी। और मैं मेजर सुरेश चंद्र यादव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैनपुर में रहा हूँ। ये सभी हमारे के सैनिक है, उनको बुलाया गया था। अगर सभी सैनिकों को हम यहाँ पर बुलाते तो बहुत जगह कम होती, लगभग 20,000 पूर्व सैनिक। ऐसी क्या खास बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप लोग की? हम लोगों ने अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों को टास्क दिया है, सैनिकों का काम है उसको करना, अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि एक एक वोट उसमें जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसकी निगरानी करना है। हमारे सैनिकों ने ये आश्वासन दिया है कि जिस बूथ पर भी एक भी वोट नहीं पड़ेगा वो हमारी कमी होगी, और हम शत प्रतिशत वोट जो है अपनी पोलिंग में डलवाएंगे, सही वोट डलवाएंगे, निगरानी करेंगे। जब तक जमा नहीं हो जाते हैं तो उसके साथ रहेंगे, और हमारा पूरा ये भरोसा दिया सरकार ने माननीय डिम्पल जी को बहुत सारे मतों से, ताकि मैनपुरी क्षेत्र की जनता का मान बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी ने यह आश्वासन दिया सैनिकों को, जो भी काम सैनिकों का होगा उसको प्राथमिकता से कराया जाएगा, और इसके प्रति सैनिक तत्पर है और बहुत समय से प्रचार चल रहा है। हम लोगों के साथ में हमारी पूरी टीम है, कैप्टन श्यामवीर सिंह, सूबेदार अमर सिंह और बहुत सारे अहदेदार अधिकारी साथ में हैं, जो 3-4 दिन से प्रचार कर रहे हैं। कल गमुर्रा में एक मीटिंग हुई जिसमें 40 से 50 सैनिक उपस्थित थे, उसके बाद कैलानाथ पुकर मीटिंग हुई, वहाँ पर रघुराज सिंह यादव के अध्यक्षता में मीटिंग हुई, वहाँ लगभग 60 सैनिक थे। उसके बाद भानपुरा जो मैनपुरी विधानसभा में पड़ता है उसमें मीटिंग हुई, उसमें 40 सैनिक थे। और सुबह और शाम के टाइम हम लोग इस पूरी मुलाकात के बीच क्या खास रहा? खास ये रहा कि अध्यक्ष जी ने जो हमको टास्क दिया है जी, वो सोनगढ़ में उसको आश्वासित किया कि हम पूर्ण रूप से उसको पूरा करके दिखाएंगे, और माननीय डिम्पल जी को बहुत सारे मतों से जिता करके मैनपुरी क्षेत्र से भेजेंगे।